अफजल खान से मिलने गए, उसने कोई हथियार लेके नहीं आएगा, बोला बिल्कुल। फिर उसने बदतमीजी की, डाल के घुमा दिया तुरंत। तीन चीजें हैं जो अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो, डेयरनेस, एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस। शिवाजी के पास तीनों है। दुनिया में एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका, जिसको आज तक पाला नहीं जा सका, जिसको आज तक पट्टा नहीं पहनाया जा सका, और वो है भेड़िया। जय हिंद फ्रेंड्स। तुम जब भी गुलामी करोगे, जब भी तुम गुलाम होगे, तो उसकी बस एक वजह होगी, तुम्हारी आंतरिक कमजोरी। दुनिया में एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका, एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका, जिसको आज तक पट्टा नहीं पहनाया जा सका, और वो है भेड़िया। एकमात्र जानवर है पूरी दुनिया में जिसको आज तक इंसान पाल ही नहीं पाया, क्योंकि अगर तुम भेड़िए के बच्चे को उठा लाए तो वो उस इलाके को तबाह कर देंगे। बड़ा गजब का सोशल संगठन है उसका, उनका। भेड़ियों में स्त्री को लेकर कभी लड़ाई ही नहीं होती। भेड़िया जो समाज है, वो जो बुजुर्ग भेड़िए हैं वो शिकार पे नहीं जाते, जवान शिकार करते हैं, वो लेकर आते हैं, पहले बुजुर्गों को देते हैं फिर खाते। उनको तुम बंदी बना लो, मौका पा जाएंगे तुमको फाड़ डालेंगे, चाहे जितना खिलाओ। इसलिए आज तक भेड़ियों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एकमात्र जानवर है भेड़िया। कभी डिस्कवरी पर उनका एपिसोड देखो। बाकी शेर को गुलाम बनाया गया। चाइना वाइना में तो बच्चे बच्चे हैं, वो नचाते हैं शेरों को। ताकत कहां है? अपने अंदर। उत्साह। तीन चीजें हैं जो अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। एक, डेयरनेस, तुम रिस्क लेना जानते हो। 98% लोग डर मरे हुए हैं। भैया मान लीजिए आईएएस की तैयारी करें और नहीं हुआ तो एमएलए का चुनाव लड़ जाना। अरे ऐसे थोड़े होता है भैया, रिस्क लेना सबकी बस की बात नहीं है, ही नहीं, हमें सिखाया नहीं जाता। डेयरनेस, दूसरा एंथुसियाज्म, उत्साह। अगर ये चीजें बाजार में बिकती तो अमीर हमेशा अमीर ही होते, वो इस पर मोनोपोली कर लेते और सिर्फ अपने बच्चों को खिलाते एक टेबलेट, ये ले उत्साह का टेबलेट खा ले। डेयरनेस, एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस, कि करेंगे तो हम ही। शिवाजी के पास तीनों है। औरंगजेब को पानी पिला दिया, पैसा नहीं है, पैसा दूसरों का लूट लिया उन्होंने, अहमदनगर, गोलकुंडा बीजापुर, इनसे ले लिया पैसा। समझदारी कितनी बड़ी है, राजपूतों की तरह बिहेव नहीं किया उन्होंने, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे प्राण कैसे चला जाएगा, जो गलती राजपूतों ने की वो शिवाजी ने नहीं की। अफजल खान से मिलने गए, उसने कहा कोई हथियार लेके नहीं आएगा, बोला बिल्कुल। फिर उसने बदतमीजी की, डाल के घुमा दिया तुरंत। जो आदमी जिस भाषा को समझता है उससे उसी भाषा में बात करोगे ना। फिर अब अफजल खान को मार दिया, बीजापुर के सरदार को। अरे और हिंदुस्तान का आदमी, तुम इतना करो, इतना गाता है,
कि भैया अफजल खान का हाथ पकड़ लिए छुड़ा ही नहीं पा रहा था। और पैर पकड़ लिया कि शिवा भाई अब नहीं करेंगे। अफजल खान को मारे मारे मुगल सूबेदार का अंगूठा काट लिए। शाइस्ता खान सोचो कितना बेइज्जती हुआ होगा उसका, कटा अंगूठा लेके दरबार में गया कि भैया उसको मारे ही नहीं, अंगूठा काट लाए। कि जाओ अपने बॉस को बता देना कि अगली बार तुम्हारा गर्दन काटेंगे और तुम्हारा बॉस का भी काटेंगे। लेकिन उस आदमी के पास एक गुरु है, रामदास। जीतना इसलिए जरूरी होता है कि जीत से एक बहुत बड़ी चीज का जो संबंध है उत्साह का, और जो हार के उत्साहित है वो तो भगवान है, उसको तो तुम हरा ही नहीं सकते। इसलिए मिडिल क्लास का आदमी बहुत परेशान होता है। मिडिल क्लास के आदमी को इज्जत का इतना डर रहता है जैसे लगता है कि मुगल बादशाह के घर के हैं। मिडिल क्लास का जो लड़का है उसके ऊपर इतनी चीजें थोपता उसका परिवार, तो देखो नाक मत कटाना, अरे कान कटवा लो। मां बाप अनजाने में कुछ करते हैं, अनजाने में, तो देखो भैया हम लोग हो रहे हैं बुजुर्ग, टीपी बहुत हाई है। युद्ध का नियम क्या है कि जो लड़ने जा रहा है उसको उत्साहित करो। लेकिन मध्यम वर्गीय मां बाप दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि जो लड़ने जा रहा है उससे उसको डराओ। मध्यम वर्गीय जो परिवार है मिडिल क्लास, वो सोचता है कि अगर अपने बच्चों को हम मजबूरी दिखाएंगे तो ये और पढ़ेंगे, वो ये गलत सोचता है। एक बात युद्ध का नियम याद रखना, जब कल तुम्हारे बच्चे लड़ने जाएंगे आज से 10 साल बाद, तो उनसे कहना अबे कोई बात नहीं, तुम फेल हो जाओ तो तुमको मर्सिडीज खरीद के देंगे। तो सोचेगा यार ये पागल है मेरा बाप, जो है कह रहा है कि तुम 4 अटेम्प्ट आईएएस दो, अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो मर्सिडीज की चाबी हमसे ले आओ। खुलकर खेलेगा वो, कोई क्योंकि सबसे समाज तो वैसे ही डिप्रेस कर रहा है, समाज तो वैसे ही डिप्रेस कर रहा है, अगर परिवार भी करेगा तब। इसलिए जिनके मां बाप नहीं रहे, परिवार नहीं रहे, उन्होंने बड़े कांड किए जीवन में, ऐसे बड़े। अब जैसे भगवान कृष्ण है, मां बाप जेल में, नहीं तो इंजीनियर बना देते, मैकेनिकल इंजीनियर इंजीनियरिंग करके, कोई जानता उनको। मां बाप का बस चले तो वो चाहते कि हमारे रहते तुम कुछ कर लो, चाहे तुम पीडब्ल्यूडी में क्लर्क ही बन जाओ। मां बाप की 2-3 तमन्ना बहुत बड़ी बड़ी होती है, एक हमारे सामने तुम नौकरी पा जाओ और दूसरी तुम्हारी शादी हो जाओ, हम तुम्हारे बच्चों को खिला ले। हिंदुस्तान में एक शब्द है तपस्या, बहुत प्यारा शब्द, अगर तुम ये शब्द समझ गए। हिंदुस्तान में शब्दों का ही तो खेल है। इसमें एक वर्ड है तप। किसी भी चीज के रूप को अगर बदलना है हीट देना पड़ेगा, स्पेन को अगर बदलना है ना इसको हीट देना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, इसको गलाने के बाद ही तुम कोई नया रूप दे सकते हो। तो जिसने भी अपने जिसे भी अपने आप को बदलना है वो अपने आप को हीट देना शुरू कर देगा, उसी को तप कहते हैं। तप यानी स्वयं को बदलने का रास्ता। कोई भी चीज तुम्हें अगर पानी है, कोई भी, आईएएस तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि हमारे देश में तपस्या उन लोगों ने की जिनको भगवान पाना था, तो हमें लगता है कि तपस्या मतलब साधु नहीं। जिसको भी किसी बड़ी उपलब्धि को पाना है उसे टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं वही फॉर्मूला ही है और कोई फॉर्मूला ही नहीं।
इसलिए तुम चाहे जितनी बड़ी कोचिंग में चले जाओ, चाहे जितना पैसा खर्चा कर दो, अगर तुम खुद को बदलने को तैयार नहीं हो तो कोई भी कोचिंग तुम्हें सूट नहीं करेगी। तुम्हें कोई कुछ ना बना पाएगा बेवकूफ बनाने के सिवा। जो भी बनोगे वो तुम खुद ही बनोगे। इसलिए जब भी बड़ी बड़ी चढ़ाइयों पे चढ़ने की कोशिश करना तो एक बात देखना, दर्द हो रहा है कि नहीं। अगर दर्द हो रहा है तो मतलब चढ़ाई चढ़ रहे हो। तुमको अपने आप को बदलना होगा। से तो आईएएस की तैयारी में इतने लोग आते हैं, आधे ज्यादा 70% तो पहले ही निकल जाते हैं, क्योंकि इसका जो पहला चरण है खुद को बदलना वो बहुत खतरनाक है। इसका पहला चरण ही तो खतरनाक है। अब तुम कॉलेज में कहां, तुम कॉलेज में 8 घंटा पढ़ने के आदि थे। एग्जामिनेशन से पहले 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल गया, तुम लिखा है, उसके बाद या तो तुम घर की राजनीति कर रहे हो या मोहल्ले की और या गांव की, और कोई नहीं मिला तो प्रदेश की। जय हिंद।